अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और आप देख रहे हैं वन टेक सीजन टू। लास्ट एपिसोड का फीडबैक थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रहा। आई अग्री द कंटेंट कुड हैव बीन बेटर बट यू गाइस हैव नो आइडिया, इट वाज क्वाइट अ स्ट्रेसफुल शूट। काफी लोगों ने ये भी कमेंट किया कि हुमायूं सईद जब नहीं थे उनका नाम बार बार क्यों लिया गया। वेल, ही वाज सपोज्ड टू कम टू द शो एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके एंड आई फाउंड दैट आउट वेरी लास्ट मोमेंट। मेरे शो में एक स्क्रिप्ट होता है, मैंने कुछ प्लान किया होता है, सेगमेंट्स क्या होंगे, सवाल क्या होंगे। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट पता चले कि आपका मेजर गेस्ट नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट तो आपका तहस नहस होता है, बट इट कैन पुट्स यू ऑफ एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड विच शोड ऑन द इंटरव्यू। आई गेस टर्न्स आउट आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन एक्टर, और मैं अपने एक्सप्रेशंस को कंसील नहीं कर सका। बट खैर, फिर भी आप लोगों ने शो को पसंद किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, उर्दू में बात ज़्यादा होगी, अंग्रेजी कम इस्तेमाल की जाएगी। आज का एपिसोड इंशाल्लाह बहुत मज़े का होगा, बहुत फन, बहुत कैंडिड, बहुत एंटरटेनिंग। जो गेस्ट हमारे पास है वो बहुत एक डायनामिक पर्सनैलिटी है। इनका मैं क्या इंट्रोडक्शन कराऊँ, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक मायानाज नाम है। टेलीविजन से स्टार्ट लिया इन्होंने, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बाद फिल्म्स की तरफ गई एंड शी इज वर्क इन मोर देन 100 फिल्म्स। इज अ लॉलीवुड डीवा, अ ट्रू ब्लू सिल्वर स्क्रीन सुपरस्टार हु एवरीवन वांट्स टू सी मोर ऑफ। वापस टीवी की तरफ रुख किया, एक के बाद एक उम्दा परफॉर्मेंस दी जहां से फैन से प्यार और अप्रिसिएशन ली। काम को लेकर अब थोड़ी पिकी हैं, थोड़ी चूजी हैं, हर चीज़ नहीं करती, काफ़ी सिलेक्टिव हैं, पर जब भी कुछ करती हैं कुछ हट के, समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट मेक्स यू सिट अप एंड टेक नोटिस। एक स्टाइल आइकॉन है, हैज ऑलवेज बीन एट टॉप ऑफ फैशन गेम। बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बात है सो है, जितना को मैं समझ सकूँ दिल की बात साफ है। प्लीज वेलकम माई पर्सनल फेवरेट, द एवरग्रीन, द वन एंड ओनली रेशम। कैसी हम रेशम? थैंक यू मुंशी। मोमिन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने इस कदर मेरा खूबसूरत जो इंट्रोडक्शन कराया है, आई एम रियली टच। ग्लैड आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया, क्योंकि अगर रेशम को पसंद ना आए तो बहुत मसला हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल मसला नहीं होता, मैं बहुत सादी हूँ, बहुत सिंपल हूँ, लोगों को ऐसा लगता है। और लोग देखें, हम लोग बाज़ औक़ात लोगों के बारे में स्टुपिड स्टुपिड चीज़ें खुद से अज्यूम कर लेते हैं, व्हिच इज़ बैड, नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैंने कहा आपको, आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा, क्योंकि जब रिसेंटली एक अवार्ड हुए थे, रिसेंटली तो नहीं, कुछ साल पहले, एक एक्टर ने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जो आपको इतना पसंद नहीं आया, आपका सारा दिल दुखा था। यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स एग्जैक्टली? मोमिन, वो एक्चुअली अवार्ड्स थे कराची में, और मैं अवार्ड्स में बहुत कम जाती हूँ, तो उसमें मैंने अपने ही उस्ताद को ट्रिब्यूट देना था, सैयद नूर साहब को। तो अच्छा, मैं बैक स्टेज में थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद जो मैंने काम किया है फिल्मों में, और जो मेरा नाम टेलीविजन के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से कहेंगे कि अच्छी एक्ट्रेस है, टीवी के हवाले से बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन होता है। देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती जितना उसे अल्फाज बना दे देते हैं। तो वो मैं, खैर, उन्होंने मेरा बहुत ही छोटा सा मामूली सा इंट्रो कराया, क्योंकि मेरी इस नाम के पीछे एक स्ट्रगल है। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, लोगों को पता है कि मैंने 23-24 ईयर स्ट्रगल की है, मैंने जीरो से काम किया, मैंने 300 रुपीज़ से अपना करियर शुरू किया, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो इस नाम के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत जो है दरकार होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। तो खैर, वो मैं अपना, मैंने परफॉर्मेंस दी और मैं आई वॉज हर्ट, मैंने कहा इन्होंने कैसा मेरा इंट्रोडक्शन कराया। हालाँकि मैं उन एक्टर के साथ काम कर चुकी थी इश्क में, और वो इंट्रो मेरा जो कराया था वो फवाद खान ने कराया था, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट एक्टर हैं। और मैं नहीं, मेरी जगह कोई और भी होता शायद, और वो भी हर्ट होती या होता कि अगर आपको नाम किसी ने दिया है तो मेरा भी एक मुल्क के, इस पाकिस्तान के हवाले से नाम है, छोटा मोटा है तो सही नाम है। तो जब किसी को आप इंट्रोडक्शन दें उसका, तो उसके काम की बात जरूर करें कि उसने ये चीज़ की है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अवार्ड्स की बात की थी आपने, अब अवार्ड्स में क्यों नजर नहीं आती, इतने अवार्ड्स हो रहे हैं, अब तो लेफ्ट राइट अवार्ड्स ही हो रहे हैं। मोमिन, एक तो जाओ और इतना तैयार हो के बंद समर के आप जाओ, ऊपर से एक लाइन में लगो, फिर आप ढूंढो कि मेरी सीट कौन सी है, मुझे कहीं पीछे तो नहीं बिठा दिया। देखें, जो भी एक्टर जाता है, जिनके पीछे एक नाम है, और जिनके पीछे वही, अगेन वही बात करूँगी, एक स्ट्रगल है इतनी ज़्यादा, तो आप आधी से ज़्यादा ज़िंदगी स्ट्रगल करें, नाम बनाएं, तो आपको वो अपनी मर्जी से कह दें कि वो थर्ड रो में जाके बैठे हैं, सेकंड में बैठे हैं, हालांकि मुझे कहते हैं कि नहीं आपको फर्स्ट रो में बिठाया जाएगा, लेकिन मैं ना डरती हूँ, मुझे कि मैं इन लोगों के जो रवैये हैं, आप ये इस जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल दौर है, नफसा नफसी का दौर है, और जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई है उसको वो ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। और जिन लोगों ने, मतलब देखें, वक्त आता जाता है, लोग कहते, मैंने, मेरा जो एरा था 90s का एरा जो था, मैं कहती हूँ कि 90s वॉज द बेस्ट एरा, मतलब ऑफ लॉलीवुड, ठीक है ना। तो अब जो इस दौर में जिन लोगों की फिल्में बनी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनको बिठाएं, लेकिन आप दुनिया में देखें, आप हॉलीवुड में देखें, आप बॉलीवुड में देखें, कि अपने सीनियर्स को
किस कदर रिस्पेक्ट देते हैं, किस कदर प्यार देते हैं. सेकेंड रॉ में उनके जो नए आर्टिस्ट हैं वो बैठे होते हैं, फर्स्ट रॉ में जो लोग बैठे होते हैं वो तमाम सीनियर्स होते हैं. बदर खलील साहिबा वाज वेरी ऑफेंडेड जब याद है अवार्ड्स में हुआ था कुछ बात सीट का, तो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, जो बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए. मैं कहती हूँ बहुत बड़ा लॉस है लोगों को, यहाँ पे इस चीज की कदर नहीं है. सीट का इशू हुआ था, उन्हें सीट का इशू था क्योंकि उनको कहीं कहा गया. आप ये तो देखें कि बदर खलील एक ऐसा नाम है और उनके हस्बैंड ने वो ड्रामा बनाया जो कि आपके हमसाया मुल्क में हर एक की जबान पर है, तन्हाइयां. बिल्कुल ऐसे ही. तो हम लोग ना ये बस जो मौजूदा दौर है और जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई है, जिसका नाम है, तो बस उसको सलाम है. बाकी जो लोग हैं वो तो मेरे ख्याल में कुछ अहमियत ही नहीं रखते. थोड़ा माहौल थोड़ा सीरियस हो गया. अच्छा, हमारा ना शो में एक होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, एक सेगमेंट होता है. उसमें हम पास्ट से कोई ब्लास्ट लाते हैं. आपके मुझे बहुत मजे कुछ ब्लास्ट मिले हैं, तो मैंने कुछ तीन चूज किए हैं जो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगे, बहुत मजे के लगे. सो आपको दिखाते हैं, लेट्स गेट योर फीडबैक, योर कमेंट. और सो स्टोरी सुनिए, जब शूट हुआ तब क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था. अच्छा, फर्स्ट इज दिस लिटिल सॉन्ग. कोई पंजाबी गाना तो नहीं निकाल लिया मेरा? मतलब मैंने थोड़ा बुरा काम भी किया है. हम उस तरफ नहीं गए, हम थोड़े फन जोन में रहे. तो देखें जरा आप. अरे बड़ा रिवीलिंग गाना था. ये गवाल मंडी में एक छत पे पिक्चर है, सुबह था. क्या इसमें तो अच्छा, संगीता आप ही जो है ना वो हमेशा चाहती है कि उनकी जो एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने. हालांकि जो मेरा मेरी जो राय है इसके बारे में वो ये है कि अगर आपने बहुत ही कोई सेक्सी लगना है और आपने कोई बहुत ही कोई मतलब वो वाले एक्सप्रेशन देने हैं कि बस लोग कहें कि ओह माय गॉड ये क्या लग रही है स्क्रीन पे, तो आपके चेहरे पे मासूमियत भी, दुख, दर्द, तकलीफ और मतलब अगर लोगों को एंटरटेन करना, ये जो चेहरा है ना ये आप लोगों को स्क्रीन पे नचा सकता है. उसके लिए आपको मतलब क्लीवेज दिखानी या लो बैक या लो नेक पहनना जरूरी नहीं है. कबूतरों के साथ पकड़ के इतना मुश्किल था क्योंकि बोल थे ना दिल जंगली कबूतर कुछ गुटकू गुटकू. ये काफी पुराना गाना है तो वो मजा था, अच्छा लगा. ये मुझे बहुत पसंद है. ये कहाँ पीसी के उधर आप उधर एस्केलेटर पे सर? ये हमारे मसूद बट साहब कपड़े बहुत प्यारे हैं इसमें, बहुत मैजिक आउटफिट है. आउटफिट आपको यही लगेगा, पंजाबी गानों में भी मैं अपना वो जो एक स्टाइल था ना वो मैं उसको रखती थी. ठीक है, कि चलो एक गाना ऐसा मिल गया है क्योंकि करना भी ये वो दौर था मोमेंट जिसमें मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी क्योंकि जीवा से उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई और चूड़ियाँ से पंजाबी रिवाइव हो गई. अब मैं जब पंजाबी हो गई तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं क्या करूँगी. तो मुझे लगा कि मेरा तो नाम ख़त्म और मैं अब घर बैठने वाली हूँ. तो उस डर से, उस खौफ से मैंने ये फिल्में की और इस दौरान यकीन करें क्योंकि क्वालिटी नहीं देखी जाती थी, नंबर ऑफ मतलब. अच्छा, इस गाने की बात करें तो यू नो जो आप स्टेप कर रही थी तो आपको लगा ये मुझसे क्या करवा रहे हैं आप? बिल्कुल लगता था, लेकिन मैं कर जाती थी कि मुझे ना अब इसमें भी मनवाना है कि मैं पंजाबी फिल्म की भी एक्ट्रेस हूँ. अच्छा. और उस दौरान सबसे ज़्यादा मुझे कमर्शियल्स मिले, सबसे ज़्यादा मतलब मैंने चीज़ों का एंडोर्स किया, वो मुझे मैंने काफ़ी काम किया. अच्छा, एक और गाना है बड़ा मुझे बोल्ड लगा, बड़ा मज़े का भी लगा, देखें. आजा गुनाह कर शान और मैं. हाँ, ये बहुत रिवीलिंग है ताकि ना काफी बोल्ड. ये गाना जो था गाना है और यकीन बाज़ूकात ऐसा होता था कि सेट पे जाते थे वो कहते थे ये गाना है, वो कहते थे ये गाना है. अच्छा, फिर आप आगे से मतलब आर्ग्यू नहीं कर सकते थे. हाँ. कि आप बहस होगी, अच्छा फिर लड़ाई ना हो जाए, मैं सेट से चली ना जाऊँ. तो मैं ना चुप करके शान ने कहा रेशम शॉट दो. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो किया है मैं देखे, अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो आप माने, अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको मानना चाहिए कि आपने किया है, क्योंकि आपको कुछ खौफ से और कुछ चीज़ें डर से भी करनी पड़ती हैं. तो जिस रेस में आप, उस कंपटीशन में आप जब चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, चीज़ें हो रही होती हैं तो जो कि आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है. तो मैंने बिल्कुल मैं अपनी, अगर इवन मैं किसी मोमेंट कोई मतलब बदतमीजी कर दूँ, मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं, तो मैं यकीन करो मैं हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, पैरों को हाथ लगाती हूँ, माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो. मुझे दिल में खुदा का खौफ बहुत ज़्यादा है और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी का भी दिल दुखाएं, अगर आपका कोई मिस्टेक हो तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है. अच्छा, पास से हम फ्यूचर में जाते हैं. आपकी फिल्म आ रही है मौला जट, जिसमें आप एक कैमियो कर रही हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही आप.
नो कमेंट्स, मुझे मना किया गया कि इसके बारे में बात नहीं करें। चले उसके अलावा आप अभी मुझे याद है आपका इंटरव्यू आया था कुछ साल पहले, आपने कहा था कि मैं फिल्में अब नहीं करूंगी, फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय रेशम ने बिट फेयरवेल कर दिया, तो क्यों मतलब ऐसी स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी आपको? मोमिन मैंने ये जो आपने मुझे क्लिप्स दिखाया ना, इस ये काम था, ये वजह थी, ये रीज़न थी कि मैंने मुझे इंडस्ट्री से किनारा कशी करनी पड़ी, इसलिए कि मेरा मिजाज का जो काम है सब लोग जानते हैं जिन्होंने टेलीविजन पे मेरा काम देखा, मेरी एक्टिंग की वो अर्ज पूरी नहीं होती थी कि मैं चार सीन कैसे करूँ पंजाबी फिल्म में, चार सीन तीन गाने होते थे, तो मैंने कहा कि यार मेरे अंदर कुछ लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें मर रही हैं, तो मैंने फिर मेरी बाजी ने कहा कि बेटा मत करो, तुम्हें कोई मजबूरी तो है नहीं, तुमने टेलीविजन से स्टार्ट किया था और तुम टीवी पे वापस आ जाओ, और जब मैं टीवी से वापस आई तो मैंने मनोसलवा किया और मुझे लगा कि वाकई मुझे उमैर अहमद का एक स्क्रिप्ट मिला और उसमें फिर वो सारे जो मेरे कथारसिस थे, वो सारी जो चीज़ें थी उसमें निकाली और लोगों ने मुझे कबूल किया छोटी स्क्रीन पे फिर से। बहुत अच्छी तरह कबूल किया। मैंने मैं ये बात हमेशा यही कहती हूँ और बार बार कहती हूँ, क्योंकि लोगों ने ये मेरी बात बहुत सुनी हुई है, तो क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे बहुत छोटा काम भी लोग करते हैं और छोटी स्क्रीन पे लोग बहुत बड़ा काम भी करते हैं, तो स्क्रीन जो है वो जो काम छोटा बड़ा होता है, स्क्रीन छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, बड़ी स्क्रीन की बात है, अभी तीन फिल्म आई, कोई देखी आपने इत्तेफाक हुआ? मैंने नहीं देखी, मैंने तीफा इन ट्रबल देखी है। अच्छा। और क्योंकि अली जफर जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। और मुझे इस फिल्म का इंतज़ार भी था और इस वक्त तीफा इन ट्रबल ने बताया है कि अगर फिल्म ईद पे नहीं लगती है, हिट होती है तो फिल्म फिर भी हिट हो सकती है, और हालांकि उस वक्त फिल्म जो संजू थी वो एक तनी हुई फिल्म थी, एक तनी हुई पतंग के आगे एक पतंग आई और बराबर में वो उससे आगे निकल गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब इतनी मतलब एंटरटेनिंग फिल्म और इतनी अच्छी कॉमेडी, उसके बाद ये जवानी फिर न्यानी परवाज़ इत्तेफाक और नहीं, यानी हुआ भी मैं देखूंगी। 50 करोड़ कमा लिया हमारी फिल्म में, आपने देखी नहीं अब तक? ऐसे मुझे समझ नहीं आती कि ये 10 दिन में 50 करोड़ कैसे, बस ग्लोबल बॉक्स ऑफिस, बस जब तक ये आएगा तब बेशक 70 करोड़ पहुंच चुके, 50 करोड़ मतलब 50 करोड़ करते हुए अगर मुंह ऐसे हो जाता है, हमें झूठ बोलना चाहिए लेकिन उतना बोलना चाहिए जितना लोगों को समझ में आ जाए ना, पच जाए। इल्जाम तो लगा रहे हैं, थोड़े इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, बट उन्होंने रिलीज किए थे बिल्कुल, देखिए परवाज़ है जुनून भी हिट हुई है और जितनी भी फिल्में लोड वेडिंग थोड़ी सी कम रही, हाँ तो फिल्में मुझे अच्छा लगता है जिस जो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट होती है, मुझे लगता है कि मेरी हिट हुई है। अच्छा, तब के दौर में अब के दौर में एक बहुत वाज़े फ़र्क है, वो है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, लाइक्स का, तो आप उस दौर में इतना नहीं था सोशल मीडिया, अब आपको कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं कि तस्वीरें लगाना? वो दौर बड़ा अच्छा था, बड़ा सिंपल था, उसमें मतलब लोग मर नहीं रहे होते थे कि ओए मैं मर गई, मुझे तो इतने फॉलोअर्स नहीं मिले, मुझे तो इतने लाइक्स नहीं मिले। मैं अच्छा इस दौर में मैं भी अब आ चुकी हूँ, तो यकीन करें कि मैंने आई थिंक 1.5 साल पहले, 1.5 ईयर पहले मैंने ये अपना इंस्टा का अकाउंट बनाया, मुझे किसी ने कहा कि ये तो बड़ा ज़रूरी हो गया है, मैंने कहा अच्छा ये ज़रूरी हो गया तो मतलब मुझे लोग रेशम नहीं कहेंगे, तो फेसबुक फैन पेज बनाना है, फिर मैंने अपनी एक एडमिन हायर की। आप यकीन करें हम इस रेस में नहीं थे, हम इस दौड़ में नहीं थे, और आज हम किस दौड़ में निकल आए कि सबसे पहले सुबह खुलती है तो हम कहते हैं कौन है, कौन इंस्टा पे क्या कर रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे हम देख रहे होते पिक्चर्स, अच्छा ये कर रहा है, वो ये कर रही है, अच्छा वो वहाँ गया है, वो वहाँ गई, इसके लाइक्स कितने हैं, लाइक्स नहीं है तो खुदकुशी कर लो, मर जाओ, ऐसे बहुत है। मैं कहती हूँ कि अपनी तवज्जो, अपना फोकस अपने काम की तरफ रखें, ये लाइक्स ये फॉलोअर्स हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं थे। बाबरा शरीफ इतना बड़ा पहले भी नाम था, आज भी वो उतना बड़ा ही नाम है, जितना अच्छा उनके क्रेडिट पर काम है हम लोगों के भी नहीं है। उस दौर में ना कोई फेसबुक नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, हाँ टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, एक हद तक इसे इस्तेमाल करें और अपने असाब पे सवार करें, अगर हम इसे ज़्यादा कर लेंगे तो ये हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है। मोमिन कि मैं जब भी कहीं बर्थडे पार्टी में या कहीं जाती हूँ, यकीन इतना दुख होता है मुझे कि आप सोच नहीं सकते कि इतना सारा क्राउड है, हाय हाउ आर यू डूइंग, अच्छा एक मिनट टेक अ पिक्चर, अच्छा वो पिक्चर ले ली, उसके बाद उसको अच्छा एक सेकेंड वो लगाना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे इंस्टा पे लगानी, फेसबुक, अच्छा हाँ क्या कह रहे थे तुम, हाँ एक सेकेंड, वो ना उसमें कोई पार्टी में कोई बात हो रही होती है, मतलब सारे फ्रेंड्स हैं और सब फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं। ये मैं पिछले 3-4 साल से नोटिस कर रही हूँ, हालांकि उसमें थोड़ी सी ऐसी हरकतें मैं भी कर रही होती हूँ जो कि नहीं करनी चाहिए, कि हमारे पास हम अब चीज़ों की बातें करते हैं, हम लोग इंसानों की बातें नहीं करते।
हम पहले कहते थे कि अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा वो ये हुआ, अपने दिल की बातें करते थे अपने दोस्तों के साथ. आज एक ड्राइंग रूम में या एक रेस्टोरेंट में एक टेबल के ऊपर सब बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ दिल की कोई बात नहीं होती, वहाँ कुछ ऐसी बात नहीं होती कि जो आपके लेकिन सब कुछ फ़ोन पे हो रहा होता है कि टू बी सीन के लिए आपने जो बैग लिया है वो पिक्चर आनी चाहिए, जो आपने जूता पहना है उसकी पिक्चर आनी चाहिए. और ये मैं कहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं जब इंसानों की बात करें तो एक आप एक्ट्रेस में बहुत एक बात उम्र का बहुत एक फैक्टर रहा है हमेशा से कि एज के मीरा की एज नहीं बढ़ती, रीमा की एज क्या है. हमारी छोटी सी गेम है द एज गेम, जहाँ पे मैं आपसे कुछ एक्ट्रेस के नाम लूंगा, आपने उनकी एज मुझे गेस करनी है कितनी है. और ये एज वो है कि जो गूगल पे विकिपीडिया पे मिलती है, कुछ लोगों के नाम लोग आपने उनकी एज बताने की बात सुने. आप चाहते हैं मेरी सबसे लड़ाई हो जाए. आप अच्छी एज लिख सकती हैं. मैं किसकी एज लिखूं? मैं पूछता हूं आपसे. तो वैसे बता देती हूं इतना जरूरी है आप. अच्छा एक सेकंड, इसका क्या करूं? अच्छा लिखना आपने इसके ऊपर. ठीक है, अच्छा ठीक है बताइए. मीरा. मीरा उन्होंने मुझे फोन करके कहना है या आपने क्या की है, आपने मेरी उम्र इतनी ज्यादा बता दी, प्लीज ऐसा ना करें. वो बात सुने, वो मेरा ख्याल उन्होंने कहा था कि वो 25 साल की, 26 साल की. लिख के कैमरा दिखा. अच्छा 25. अच्छा मीरा लिखूं पहले? बस 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 एज लिखते हैं, बस एज नंबर लिखते हैं, बस नंबर 30 सॉरी नहीं 25. हां बस कैमरा को दिखा दे ऐसे. सॉरी 25. ओके. अच्छा विकिपीडिया के मुताबिक शी इज 41. अच्छा इकरा अजीज. इकरा अजीज बहुत यंग है. आपकी कितनी होगी? आई थिंक 23 24. आप लिखते हैं जो भी आपको लगता है. 24. She's 20. Sorry, हाँ छोटी है, छोटी है. रीमा खान. रीमा खान मेरे ख्याल में she must be 40, 48. 46. बहुत close. Close. हाँ. सबा कमर. सबा कमर must be 35. हाँ 34. 34. Close. बहुत सही guess किया. साइमा जी. साइमा जी मस्ट बी 50. हाँ 51. बहुत सही गेस करी है निशमा. मुझे कुछ मिलेगा? बहुत सही दुआएं. बस ये क्या बात है, छोटा शो हमारा, हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं. लेकिन एक बात बताऊं, आपका ये जो शो है ना वन टेक, ये बहुत देखा जाता है. और कभी चीज़ मैं छोटी बड़ी नहीं होती. मैं बताऊं आपको कि ये आगे जाके आपका शो इतना पॉपुलर हो रहा है, और कौन सा एक्टर है जो आपके शो में नहीं आया? हालांकि हम वो एक्टर्स हैं जो कि हम पैसे लिए बगैर कहीं भी नहीं जाते. हम कहते हैं कि नहीं, हमें इंटरव्यू के भी पैसे मिलेंगे हम तो जाएंगे. या आपकी मोहब्बत है, या आपका प्यार है, कि तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं, मतलब वी ऑल लव यू. बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू राइट बैक. अच्छा महविश याद? महविश 37. 35 क्लोज. अच्छा 30. एंड लास्ट माहिरा खान. माहिरा 34, 33. बहुत आपने सही लोग गेस किए. मुझे कुछ मिलना चाहिए प्लीज. बस आपने मीरा की सही की होती है तो कुछ आपको हम करते हैं. मीरा की सबसे कम है 25 साल. आप वो बता क्या, वो फिर मुझे फोन करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि नहीं भाई आपकी जरूरत कैसे हुई, आपने मुझे बड़ा कह दिया. अच्छा इसी की बात करें तो आपका शो वन टेक पे, आपका जिक्र वन टेक पे बहुत हुआ है. मेरा इत्तेफाकन? हाँ जी. तो इसका मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ. बहुत आप लकी. आपको थोड़ा दिखाते हैं, आपकी फीडबैक लेते हैं, कॉमेंट लेते हैं. नूर आई थी शो पे लास्ट सीजन, तो हमने उनसे बात की थी थोड़ी सी. एक गेम थी कि कुछ एडवाइस देनी थी लोगों को, तो उन्होंने आपको क्या एडवाइस दी देखते हैं. अच्छा वैसे एक बात बताऊं, वुमेन आप किसी से भी पूछें, आप हुमायूं से, आप किसी भी एक्टर से, मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करते हैं. और आप किसी भी एक्टर से लेके, मतलब सीनियर जूनियर से लेके, उनको पता है कि रेशम इज ऑलवेज देयर फॉर फ्रेंड्स. ठीक है, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे. मुझे कोई एक फोन में भागती भी चली जाऊँगी. और इन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, क्योंकि हिदायत की तो हम सबको ज़रूरत है. तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत इन मोहतरमा को है, नूर को है. हाँ तो वो तो मेरे ख्याल में हिदायत की तो सबको ही जरूरत है. शान आए थे शो पे, शान ने भी जिक्र किया आपका है. हाँ जी शान ने एक एडवाइस दी थोड़ी सी आपको, तारीफ की पहले आपकी टैलेंट की और आपकी एक्टिंग की, उसके बाद उन्होंने कहा आई थिंक यू नीड इट. आई मीन यू हैव गॉट मनी, यू हैव गॉट फेम, यू हैव गॉट everything going right for you, but then why do you opt for these sort of things? I mean, I didn't opt for dramas. I could have done dramas. And the funny part is half our industry. कि नागिन ड्रामा क्यों नहीं करना चाहिए था आपको? नहीं नहीं नहीं, बात ये कि देखें मैं घर चलाती हूँ,
मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरे सर पे बाप नहीं है और मुझे अपने घर चलाना है. मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो करती हूँ वो बहुत सारे लोगों को पता है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं वेकेशन नहीं करती. मैं 15 साल से मेरे पास यूके का वीज़ा है, मैं ट्रेवल नहीं करती. इट्स बिन 15 ईयर्स आई डिडंट विजिट यूके, क्योंकि मुझे अगर ये ट्रिप्स करने हो तो मैं बाकी लोगों की जो मैं हेल्प करती हूँ तो वो मैं अपने पैसों से करती हूँ, अपने दोस्तों की भी करती हूँ. तो मुझे कभी मतलब जिस मीडियम से भी मुझे काम मिलता है और वो मैं अच्छा समझती हूँ मैं करती हूँ. तो लाहौर से वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, लाहौर में काम नहीं हो रहा था, तो नागिन लाहौर से हुआ और हिट भी हुआ. बिल्कुल, सब जानते हैं कि उसके 200 एपिसोड्स जो हैं, मतलब इतना, मतलब एक घंटे का जो कंटेंट है वो ऑन एयर गया. तो शार ने कहा कि मुझे नागिन नहीं करना चाहिए था. तो शायद उनकी वो सोचते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था. अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनको मेरे साथ फिल्म में लेके फिर मुझे काम करना चाहिए था ना. हालांकि शान का तो काम बैक मेरे साथ हुआ था संगम में और शान शुरू से ही मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं. लेकिन अब बाज़ औकात हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ताने हम कसते हैं. बहुत तारीफ की थी पहले आपकी, आपके टैलेंट की, आपके एक्टिंग की. दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम, सो काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने मेरी तारीफ की. और मेरे किसी भी इंटरव्यू में अगर आप उठा के उसको देखें तो उसमें सबसे पहले बाबरा जी का जिक्र होता है, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगी. तो शान का भी जिक्र होता है. तो अच्छा, आप देखिए काफ़ी जो कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस हैं, मीरा, रीमा, नूर, आप लोगों की आपसे बनती क्यों नहीं है? इतनी एक लड़ाई का माहौल क्यों होता है हमेशा आप लोगों के बीच में? बात ये कि मेरी सबसे बनती है, क्योंकि मीरा एक शो पर आई थी, एक और शो पर उन्होंने कहा था कि रेशम ने मेरा बहुत दिल दुखाया, मेरा बहुत दिल, अभी रिसेंटली शो पर उन्होंने बोला था एक और शो पर. अच्छा, ये बात वैसे मेरी रिसेंटली उनसे मेरी कोई इंटरेक्शन हुई नहीं, वरना मैं उनसे ज़रूर पूछती कि मैंने अगर दिल दुखाया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सॉरी करती हूँ. लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैंने उनका कभी कोई दिल दुखाया. आप लोगों में एक रेस थी, एक कंपटीशन था, कभी दोस्ती, कभी भी मोमिन मेरी, मैं उस रेस में हुई नहीं. अच्छा, मेरे जितने अपनी कलीग्स को मैं प्यार करती हूँ, जिनको इज्जत देती हूँ, हाँ शायद उनको एक मसला ज़रूर होता है कि इसकी इतनी इज्जत क्यों है माशरे में. ओवरऑल मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बताऊँ आपको कि इज्जत है ना, पैसा आ जाएगा. पैसा है तो इज्जत कभी भी नहीं आएगी. तो अगर हम लोग अपने गरेबान में झांकना शुरू कर दें तो ये सबसे अच्छी बात होगी. हम दूसरे पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है. सब मुझे अपना आप सबसे इतना लगता है, मुझे सब अच्छे लगते हैं. तो वो इतनी अच्छी जी बात है. हालांकि आप यकीन करो कि इन एक्ट्रेसेस को जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ही इनके काम आती हूँ. मैं ही इनके अपने लिए घर के दरवाजे खोलती हूँ, उनके लिए कोई भी नहीं खोलता. तो अपना मुँह खोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या कहने जा रहा हूँ या कहने जा रही हूँ. अच्छा रेशम, आपसे सवाल पूछना मुझे, क्या आप पाकिस्तान की सलमान खान बनना चाहती हैं? नहीं. मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों गेस कर रहे? क्यों कह रहा हूँ? सलमान की भी शादी नहीं हो रही, कर रहे आप भी शादी नहीं कर रही. एक बात बताऊँ, मैं सलमान खान से ना उनकी एक्टिंग से इतना इंप्रेस नहीं हूँ जितनी उनकी काम से. वो जहाँ जाते हैं जितना वो सवाल आपसे मैंने पूछा, सवाल को बदले ना, सवाल आपकी शादी का पूछा मैंने. क्या रेशम शादी करेंगी? जाहिर है मैं शादी करूंगी, क्या मतलब है आपका? आप कर क्यों नहीं रही? आई एम लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा. अच्छा, जो चीज़ें मुझे जो लवाजमत चाहिए वो है नहीं किसी में. क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए सिंसेरिटी, मुझे चाहिए लॉयल्टी, मुझे चाहिए ऑनेस्टी. ये चीज़ें किसी में मिलती नहीं है. तो बिल्कुल मिलेगा भी नहीं आपको. बिल्कुल नहीं मिलेगा कसम से. और सिर्फ मेरे साथ नहीं है, अगर मैं अपने इर्द गिर्द हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं और उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं. तो ये मैं, ये जो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये कैसा है जिसमें ना, मतलब लोगों में ठहराव नहीं है और लोग कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, कोई किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहता. वो कहते हैं कि जस्ट बस मेरे मुताबिक. अच्छा, कभी प्यार हुआ दिल टूटा? तो जाहिर है प्यार हुआ दिल भी टूटा, तो इसमें क्या, ये तो टूटने की चीज़ है, टूटती है. तो हाँ हुआ. तो कुछ रूमर्स हमने पढ़े इंटरनेट पे, सब रूमर्स है इसका मतलब? वो किन से हुआ? कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था, नाम नहीं लेते. मैं आपको ये बता दूं, जो इंटरनेट है, जाहिर है कि लोगों ने ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट चलाना है, आपको खबरें देनी है, तो खुदा की कसम इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है. तो मोहब्बत मुझे हुई है, मैं मान रही हूँ, और दो दफ़ा हुई, लेकिन दो दफ़ा नहीं, मैं हर एक घंटे बाद या हर वीकली, मंथली और ईयरली मोहब्बत नहीं करती. हर साल नई मोहब्बत मुझसे नहीं हो पाता. मैं तो दोस्त जो हैं वो नए नहीं बना पाती मोमिन,
क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो पुराने हैं और जो आते हैं वो मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, मैं उनको नहीं छोड़ती. तो पर शादी इज ऑन द कार्ड्स इंशाल्लाह. हाँ हाँ होगी, जैसे ही मतलब राइट पर्सन मिला, बंदा शंदा जो भी है वो, बस ये हो कि सच बोलने वाला हो और शादी का बोझ उठाने वाला हो ना. हाँ, वो भी है. तो आजकल शादियां ऐसी हो रही हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारा ही बोझ उठा लो. तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी. चलें, वी विल वेट. हाँ, और मतलब दुआ करें. अच्छा, अभी इसलिए रेहान खान की बुक पब्लिश हुई थी, आपने सुना होगा, उसमें जिक्र था आपका जी, पता है आपको देखा वो जो मुझे लोगों ने वो जो स्क्रीन शॉट भेजा, आई वॉज लाइक कि ये क्या है. अच्छा, फिर मुझे बात समझ में आई कि ये बात तो मैं कहना चाहती हूँ, मैंने कही नहीं थी, मेरे दिल में थी. तो वो पता नहीं कि मैंने ये कह दिया, और मैंने इतनी घटिया बात एक ऐसे शख्स के लिए जो दुनिया का स्टार रहा क्रिकेट, मैं क्रिकेट की बात करूँ तो इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा नाम है क्रिकेट में, और आज वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, तो हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. और रिहाम खान जो है, गलतियाँ सबसे होती हैं, खान साहब से भी हुई, मुझसे भी हुई होंगी ज़िंदगी, और मैंने बहुत की. तो रिहाम खान औरत की बदतरीन मिसाल है, और जुमायमा जो है वो औरत की बेहतरीन मिसाल है. तो उनको शायद था कि अच्छा, उन्होंने बड़े चुन चुन के नाम दिए, हमजा अली बासी, मतलब हमजा बासी मैं, कि जिन लोगों के कोई स्कैंडल्स नहीं है, कि मेरी बुक रिहाम बेचारी को कौन कुछ जानता है, उसको कोई नहीं जानता. तो उन्होंने उन लोगों के नाम लिए कि मेरी बुक जो है वो लोग पढ़ेंगे तो सही, झूठ तो सारे वो झूठ ही था ना, वो मुकम्मल एक मतलब झूठ है. और आज वो शर्मिंदगी के मारे अपना मुंह छुपा के कहीं बैठी होंगी कि अगर मैं आज उनकी साथ होती तो क्या होता. तो मेरे ख्याल में कि अल्लाह उनको हिदायत दे, वो किसी डिप्रेशन में है मेरे. अच्छा, आगे आपका ड्रामा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, नूर बीबी मैं एक पीनी का रोल प्ले कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो इमरान खान की जो वाइफ है उनसे इंस्पायर्ड है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अभी इस तरह के जो ड्रामे हैं वो काफ़ी ऑन एयर आए हैं, जो कि जैसे मैंने नागिन में भी जादू शादू था, नागिन हिट हुआ, नागिन के बाद जो था वो ये जादू वाले ड्रामे बनने शुरू हो गए उसी तरह के, क्योंकि हम लकीर के फ़कीर हैं तो जैसा हो रहा होता है तो वो वैसा और चीज़ें शुरू हो जाती हैं. ये जो पीरनी है, ये हम लोग अक्सर चले जाते हैं पीरों के पास और वो हमें आगे से सही गाइड नहीं करते हैं, और वो पैसे बटोर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं. तो ये एक फ्यूडल फैमिली की है, और ये जायदाद का इसमें रौला है, रप्पड़ है. थोड़ा आपका मेरे ख्याल से नहीं, मैं नहीं नहीं बताऊंगी कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है इसमें. हाँ, जायदाद और ये और फैमिली को लेकर वो है. और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने अबाया पहना है, तो खतून अव्वल मैंने कहा जी बात है, लग रहा था कि वो तो सही पीरनी तो वही है, तो मैं ऐसी चीज़ सोच भी नहीं सकती. तो मैं उनके लिए बड़ा एहतराम है और यकीनन है तो वो रहेगा. नूर बीबी कब आ रहे हैं ऑन एयर? आई थिंक इस महीने के आखिर में, एंड में प्रोमोस चलने शुरू हो जाएंगे, या नेक्स्ट मंथ. अच्छा, शो एंड करेंगे बट नॉट विदाउट द रैपिड फायर. अब रेडी हो जाएं, बस अब रैपिड फायर होने लगा है. वो रैपिड फायर नहीं था. अच्छा, वो तो कह दो. हाँ, अब आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई वजाहत नहीं, सवाल का जवाब धड़ 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 ऐसे. ठीक है, ओके ओके, ठीक है, रेडी हैं? एक सेकंड, मेरे बाल ठीक है? हाँ जी, ये हम कट नहीं करेंगे वाला शॉट. ठीक है, नहीं बात नहीं, बिल्कुल ना करें. अच्छा, रेडी, 3 2 1. शान और हुमायूं सईद, बड़ा सुपरस्टार कौन है? अभी देखा जाए तो हुमायूं सईद. ठीक है, अंजुमन जी या बाबरा जी, आपकी बेहतर दोस्त? बाबरा जी. हम या एयरवाय? हम. टीवी या फिल्म? बोथ. साइमा या रीमा, बेहतर अदाकारा कौन है? साइमा. सबसे जो मजाक है, रूमर, फनी रूमर सुना आपने बारे में, अपने बारे में कोई आपने? मैंने तो वो पत्नी जी वो गरीब सुनती रहती हूँ. ये जो रिहाम वाला था वो बहुत फनी था. इसके अलावा क्या और नहीं सुना? नहीं, वो और भी चीजें सुनी, लेकिन रिहाम वाला तो बहुत ही फनी था. अच्छा, नए एक्टर में जो मेल में से कौन ऐसा जिसका आप काम करना चाहेंगी? हमजा अब्बासी. व्हिच फीमेल एक्टर आपको हॉट लगती है नई लॉट में? हॉट लगती है मुझे मायरा खान बहुत पसंद है. ठीक है, आपकी खातिर शान और मोमी में से बेहतर हस्बैंड कौन होगा, मोमरान और शान? दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि मैंने दोनों बेटर शान. ठीक है, अब मैं तीन लोगों के नाम लूंगा, तीनों मैरिड हैं, मैं अज्यूम करें वो शादीशुदा ना होते, तो इनमें से आप किसको किल मैरी डेट, एक को मारना है, एक को डेट, एक से शादी? शान, मोमराना और बाबर अली. बात सुनेंगे, तीनों शादीशुदा हैं, बताए मुझे. लेकिन
एक को मारना है और एक मोहम्मद राना को मार देती और बाबर से शादी कर लेती। माफ कर देना प्लीज, इन्होंने पूछा मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, आपको लॉलीवुड की एक चीज बहुत आपको याद आती हो, मिस करती हैं? उफ, लॉलीवुड के 90s के एरा के वो जो गोल्डन एरा था, उसके गाने और वो जानू सुन जरा, फिर वो गाना देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा। आप यकीन करें कि वो इतने बढ़िया गाने थे उसमें। उफ, मैं इस मोमेंट, इस वक्त फिल्मों में ना बहुत अच्छी फिल्में आती हैं, सुपर हिट होती हैं, लेकिन अच्छा म्यूजिक नहीं है, बिल्कुल अच्छा म्यूजिक नहीं है कि जो आप उसकी सीडी लें या आप यूट्यूब पर जाके वो उसको सुनना चाहें, कोई ऐसा गाना नहीं है। बिल्कुल अच्छा। एक बात जो लॉलीवुड क्या बिल्कुल भी मिस नहीं करती, मिस नहीं करती? हाँ, मैं तो बहुत मिस करती हूँ। एक चीज ना, बिल्कुल आपको शुक्र है खत्म हो गई पंजाबी फिल्में। सॉरी। अच्छा, अगर आप टाइम में वापस जा सकती तो क्या चेंज करती अपनी लाइफ में, कोई फैसला, कोई डिसीजन? मैं, हाँ, आप 10 साल पीछे, 20 साल पीछे जाके क्या बदलती? 20 साल के 10 साल, जितना साल मर्जी पीछे, पास में कभी भी आप जा सकती हैं। जो भी मैंने ये जो पंजाबी फिल्में की थी अपने मिजाज के खिलाफ, मैं बिल्कुल ना करती। अच्छा अच्छा, आप एक लिफ्ट में फंस गई हैं, लिफ्ट बंद हो गई है? ये हो चुका है मेरे साथ, मेरा सांस बंद हो गया था और मैं एक जगह शो कंडक्ट करने जा रही थी ईद का, और कसम से मैं हमेशा ना तब से लेके पानी की बॉटल और कोई खाने पीने की चीज साथ रखती हूँ। मुझे लगा वो इतना सीवियर पैनिक अटैक हुआ मुझे, तो मुझे लगा कि मेरी हार्ट बीट और वो मैं मर गई। और वो लाइट चली गई थी 1 मिनट के बाद, वो जब लिफ्ट खुली तो मैंने कहा हट जाए, मैंने कहा लिफ्ट ऊपर, मैं कहा नहीं नहीं अब मैं स्टेयर से ऊपर जाऊंगी, मैंने लिफ्ट में नहीं बैठना। अच्छा, और थोड़ा खतरनाक सिचुएशन, लिफ्ट बंद हो गई है और आपका मीरा है और नूर है, क्या होगा? बेड़ा गर्क, बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा मीरा और नूर। नहीं, नूर तो हंसेगी, वो काफी अच्छी अच्छी बातें मजे की करेगी, तो मीरा कहेगी ये क्या हो रहा तुम लोग, क्या पत्रकार को लिफ्ट बंद हो गई है, अभी मैं मार जाऊंगी, मेरा सांस बंद हो जाएगा प्लीज। अच्छा, वन एक्ट्रेस जो आज की लॉट में जिसमें आपको अपनी एक एक, एक मतलब कहते हैं यू सी योरसेल्फ इन, आपको लगता है ये विदेशम टाइप की है? मेरे टाइप की है, मैं बहुत ज्यादा आपकी झलक नजर आती हो, आपकी अपनी झलक किसी नहीं एक्ट्रेस में? नहीं मोमिन, पता क्या, मैंने बहुत मैं फोकस्ड हूँ, मैंने ज़िंदगी में जो टाइम दिया है पंक्चुअलिटी का मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि अगर आप इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं भी हैं और आप पंक्चुअल हैं तो आपको काम मिलता रहेगा। मैंने लोगों में नई लॉट के साथ मैंने काम किया है और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा वक्त की कदर नहीं करते, देर से आते हैं, ऊपर से एटीट्यूड के पता नहीं क्या, हम लोग स्टार बन गए, आप लोग हम स्टार्स हूँ, हमें तो मैं ऐसे देखती रह जाती हूँ कि ये चीज़ कभी किसी के पास रही है, आज है कल नहीं है, नहीं, तो किस बात पे इतराना है, तो मैंने वो चीज़, वो कमिटमेंट, वो जो चीज़ है, वो उन्हें किसी में नहीं। अच्छा, हमें डांसिंग स्किल्स पे आपने इनको नंबर देने 1 से लेके 10 तक, मैं विशाद सबसे अच्छा डांस करती है, नंबर देख 10, कुबरा खान 5, मावरा 2, माहिरा 8। अब आपने एक्टिंग स्किल्स पे नंबर देने हैं, उर्वा हुसैन, उर्वा 10, मेरी फेवरेट है, मैं भी शायद एक्टिंग 8, सजल अली 10, माहिरा खान 10, नहीं 8। अच्छा, मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं, तो आपको मैं एक लाइन दूंगा, आपने इसको रीमा और मीरा के स्टाइल में बोलना है, ठीक है? लाइन ये है, रेशम तुम बहुत चलाक हो, क्या बातें कर रही हो, पहले मीरा की तरह या रीमा की तरह, आपकी मर्जी। रीमा पहले बन जाती है जी, रेशम तुम बहुत चलाक हो, क्या बातें कर रही हो। अच्छा, मीरा, हाँ रेशम, क्या बातें कर रही हो, है तुम बहुत चलाक हो, हाँ परफेक्ट। अच्छा, इंस्टाग्राम पे सबसे बुरा कमेंट आपको किसने किया हो? लोग कमेंट करते हुए सोचते तो है नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप इसमें एडिट नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं, अगर आप करेंगे फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, 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 रिसेंटली अनम तनोली, हाँ जी, जो कि मतलब शी टुक हर ओन लाइफ फ्यू डेज बैक, मैं इंस्टाग्राम पे उनकी पिक्चर्स देख रही थी और मैं एक किसी मतलब डिप्रेशन में चली गई कि यंग गर्ल और इतनी प्यारी लड़की, और इवन मैंने रोना भी शुरू कर दिया कि क्यों। फिर मैंने उन्हें एक वीडियो देखी जिसपे उन्होंने शर्ट पे लिखा हुआ था कि बैक ऑफ बुलीज। तनकीद करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी तनकीद ना करें कि कोई किसी की जान ले ले। इसलिए मोमिन, कि जब मैंने लफ्ज़ों को समझना शुरू किया
तो मेरी समझ में ये आया कि लफ्ज़ जो हैं ये दांत रखते हैं जो आपको काट लेते हैं, लफ्ज़ जो हैं ये हाथ रखते हैं जो आपका गिरेबान फाड़ देते हैं, लफ्ज़ पाँव रखते हैं जो आपको ठोकर लगा देते हैं। लफ्ज़ों की एक अपनी ही दुनिया है, इसे सोच समझ के बोलें लिखते हुए कि हम क्या लिख रहे हैं किसी को, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अंदर से इतने खाली होते हैं, उनकी अपनी ज़ात में कुछ नहीं होता और वो लोगों को ऐसी तनकीद करते हैं तो लोग वो डिलीट कर लेते। कुछ लोग तो इसके साथ मतलब अगर लिखते हैं, मैं तमाम लोगों से कहूँगी कि जस्ट डील विद इट, आपको आना चाहिए, आपको स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो जिनका दिल छोटा होता है वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में हमें अगर कोई डिप्रेशन हो, ऐसी चीज़ हो, हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए, हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको दोस्तों से बात करनी चाहिए और अपनी बात शेयर करनी चाहिए। जैसे मतलब आई ऑल्सो गेट डिप्रेशन, ऐसा नहीं है कि मुझे, हर एक को होता है, लेकिन अपने दोस्तों से बात करें। मुझे यकीन करो इस लड़की का बेहद दुख, मुझे नहीं, हमारे तमाम सबको हुआ, तब आर्टिस्टों को हुआ। तो प्लीज़ 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 सोच समझ के बोलें। आपको किसने कोई बुरा कमेंट किया हो? हाय हाय बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं तो माइंड ही नहीं करती। अब पता है कि आप जहन जो है ना, मोमिन आज सुन हो चुका है। अच्छा। अगर आप लोगों की बातों की तरफ ध्यान देंगे ना तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि एक कमेंट, मुझे नहीं पता कौन है, वो मेंटली रिटार्डेड है या वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, तो हो सकता है किसी ने फेक अकाउंट बना के जानबूझ के लोग तवज्जो लेने के लिए कुछ भी करते हैं। तो बातें के पहले करती थी, अब मैं इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं अगर इग्नोर नहीं करूँगी तो कल को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर मैं दिल पे लूँगी तो मैं भी तो अपनी जान ले सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, हमें ये बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, रिसेंटली जो फिल्में आई पाकिस्तानी, किस फिल्म को देख के लगा काश इसमें मैं होती? काश इसमें मैं होती, तीफा इन ट्रबल। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से 2018 में रिलीज होने वाली कोई सी भी चार फिल्मों का नाम बताएं। होने वाली इस साल जो हुई है तीफान ट्रबल, लोड वेडिंग, जवानी फिर नहीं आनी 2 और परवाज है जुनून। ठीक है, इसमें जीत गई। तीन आइटम नंबर्स पाकिस्तानी नाम ले जो अभी रिसेंटली हुआ है फिल्म में। मैंने गाने नहीं देखे, मुझे नहीं एक नहीं आता। नहीं नहीं, अब वो मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी जो करना है। क्या करवा ले हाँ, मुझे ये याद है। अच्छा, मैं कुछ इंडियन आइटम नंबरों के नाम लूंगा, आपने इनका हुक स्टेप मुझे बैठे बैठे करके दिखाना, ठीक है? कजरारे तेरे प्यारे प्यारे नैना। अच्छा, मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लास्ट, चिकनी चमेली। आई चिकनी चमेली छुपने न पहले पौवा चढ़ा के आई, और चिकनी ही चमेली मुझसे क्या करवा रहे हैं। अच्छा, लास्ट, अपना कोई फेवरेट गाना गा दे। अपना फेवरेट? हाँ, पाकिस्तानी, अपना कोई जीवा का बेशक गुनगुना दे, कोई भी आपको पसंद है जो। अपना क्यों? अच्छा, अपना गाना जो आपको पसंद है, आपका फेवरेट गाना। फिल्म का कह रहे हैं? कोई भी, जो भी पसंद हो आपके दिमाग में। मुझे राहत फतेह अली खान के गाने में बहुत शौक से सुनती हूं। कोई भी आप गाने थोड़ा सा गुनगुना दे। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, बिछड़ना भी ज़रूरी था और मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, मुझे बहुत पसंद है राहत जी का। सब गुनगुना दे थोड़ा सा। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं को का बिखरना भी ज़रूरी था। मुझे बहुत मजा आया और बहुत अरसे के बाद इसलिए मजा आया कि आप में जो एनर्जी है और जो वो मैं आपके लोगों में नहीं है, और इस एनर्जी को आपने ऐसे ही रखना है, और मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि आपके शोज में देखती रहती हूँ, वन टेक इंस्टा पे भी देखती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई नया लोग आते हैं और वो आपसे मजे मजे की चीज़ें, आपका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और आप अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेशम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू वन टेक। आई होप आपको शो पसंद आया हो। लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कीप वॉचिंग वन टेक। थैंक यू।